तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संजय यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के विधि और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव आर के तिवारी, डीजीपी एच सी अवस्थी और न्यायमूर्ति संजय यादव के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात भी करी है। तो वहीं उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राजधानी आई थी। फिलहाल उनके शव को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। इंदिरा 80 वर्ष की थी और बीते करीबन 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रही थी। आपको बता दें कि इस साल मार्च में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के दौरान इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले दिसंबर में वो कोरोना संक्रमित हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 2 दिवसीय निर्माण समिति की पहली बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई है। इस दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बैठक समाप्त करते हुए शंकराचार्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में संतोषजनक काम चल रहा है। बुनियाद की ढलाई का काम तेजी से चल रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि आशा है कि 2024 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इस बैठक में जन्मभूमि परिसर में कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और बालाजी के इंजीनियर्स भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राम मंदिर के निर्माण में आ रहे चंदे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की खरीदी जमीन को कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह भी बने हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए। मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने बड़े घोटाले का कागजात के साथ आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले 2 करोड़ में जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया और 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया जाता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि दोनों कागजातों में एक ही गवाह के दस्तखत हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब लाठी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? लगातार आज एक तरफ ट्रस्ट ने खुशखबरी दी तो दूसरी तरफ आरोप भी खड़े हो गए। देखिए जी, पूजा जी, आज की ये बहुत बड़ी और ये बड़ी हिलाने वाली खबर है और बड़ी अचंभों वाली खबर है, क्योंकि लाखों राम भक्तों को नहीं, करोड़ों जो राम भक्त हैं, जो देश ने विदेश जो आज चंदा देते, आज उनको बड़ी हैरत और अंगेज जानकारी मिली है। और पूरे सप्ताह में हलचल ये है कि ये जो घोटाला आया है ये सीधा सीधा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पे लगा है, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये 18 करोड़ रुपए का घोटाला है।
जो जमीन खरीदी जाती है मात्र 18,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी जाती है मात्र 2 करोड़ में, फिर बस 5 ही मिनट बाद वो ट्रस्ट को जमीन दे दी जाती है। बिल्कुल, राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले के मामले में सबसे बड़ी बात है कि सपा नेता ने बड़े आरोप लगाते हुए, जी जो जमीन है मात्र 5 मिनट में एग्रीमेंट होता है और 7 बजे होता है जब ऑफिस बंद हो जाता, ऑफिस बंद होने पर 5 बजे रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाती है। और उसमें बड़ा बात यह निकल के आती है कि उस जमीन में दोनों जमीनों के गवाहों में जो ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, वो जमीन ट्रस्ट के नाम से पहले जमीन खरीद जाती है बाबा हरिदास के नाम से, उनकी वाइफ है, उनके नाम से जमीन होती है, मिस्टर कुबेर अंसारी के नाम से खरीदता है और उन्हीं एग्रीमेंट में गवाह होते हैं अनिल मिश्रा और अयोध्या मेयर जो यहाँ अयोध्या के मेयर हैं वो खरीदते हैं, उनका दोनों लोगों का नाम उस ट्रस्ट में गवाह में भी रहता है। और जब बैनामा कराया जाता है विगत 5 ही मिनट में बैनामा कराया जाता है और वो 17 करोड़ रुपया उस आदमी के खाते में आरटीजीएस किया जाता है। यहाँ के जो विधायक जो पूर्व मंत्री हैं वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो वहाँ के अगल बगल की जो जमीन है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही गवाह के दस्तखत दोनों कागजातों पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डीएस लाठी अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बुलंदशहर की सियाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। देवेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर 15 से 20 दिनों तक गेहूं पड़ा रहता है और उसकी तौल तक नहीं की जाती। देवेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि 15 जून को गेहूं खरीद का समय खत्म हो रहा है जबकि किसानों के पास गेहूं काफी मात्रा में बचा हुआ है, इसलिए गेहूं खरीद का समय बढ़ाया जाए। इस संबंध में विधायक ने जिलाधिकारी को भी चिट्ठी लिखी है। किसानों से गेहूं खरीद और भुगतान को लेकर लखनऊ के डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा गेहूं खरीद के तुरंत बाद किसानों की फसल का भुगतान किया जाए। तो वही मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए उन्होंने कहा कि गेहूं को बारिश के पानी से भीगने से बचाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जिसका डर था वही हुआ। हमीरपुर जिले में प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते भीषण बारिश से गल्ला मंडियों में खुले में रखा किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। सिर्फ भीगा ही नहीं बल्कि यूं कहें कि बह गया। पानी में बहे इस गेहूं से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों के गेहूं के भीगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तूफान यास के आने के समय भी किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा था। उसके पहले तावते के समय सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा, लेकिन इससे भी शासन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। किसानों में से किसी किसान के घर में बेटी की शादी है तो किसी को कर्जा चुकाना है, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद में हीला हवाली के चलते इन किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया और सुबह हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सब कुछ तबाह हो गया है। मैं आवाज दिया, घर पे फोन किया कि बचाओ नहीं तो पानी में पूरा डोल गया, पूरा वो हो गया। मेरे को अभी ट्यूबवेलों का बिल बाकी पड़ा हुआ है। मैं ट्यूबवेल का बिल कहाँ से करूँ, ये था गेहूँ बिक जाए तो दे दी। इसके बाद मेरी भतीजी की ये 24 को शादी है, कितने टाइम ना तक गेहूँ ले रहे हैं ना कहीं कुछ कर रहे हैं और रोज का रोज यही टाल रहे हैं साहब। मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मैं करूँ क्या करूँ। अब सरकार है, उनकी सरकार है, जैसा वो चाहें तैसा करें, हम लोग तो पीड़ित। सर 29 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन था, 2 तारीख को बुलाया गया था, 2 तारीख को लेकर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ खुला में पड़ा हुआ है, रात में खूब बारिश हुई है, 3 बजे से लगभग 5 बजे तक धुआंधार, बहुत सारा गेहूँ है नालियों में पड़ा हुआ बह के गया है। अभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब हमारा तौला जाएगा। सर परेशान है, रोज आते हैं सुबह शाम को वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? किसानों का यहाँ पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो रहा है, क्या आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं करी शिवम? देखिए पूजा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है हमेशा से प्राकृतिक आपदा का शिकार होता आया है, चाहे वो बेमौसम बारिश हो या सूखे की मार।
और फिलहाल जो ये पूरा मामला है ये सुमेरकुंड में स्थित गल्ला मंडी का है, जहां पर अधिकारियों की ढीला ढवाली से और लापरवाही के चलते किसानों का सैकड़ों कुंटल जो गेहूं है या तो वो नाले में बह गया है या तो वह पानी की बारिश में सड़ गया है। और जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो ऑन कैमरा आने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन जो मंडी के विक्रय अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हाँ उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन उन्होंने इस बात से बिल्कुल इग्नोर कर दिया जो किसान इल्जाम लगा रहे थे कि मेरा गेहूं एक महीने या 35 दिन 40 दिन से वहां पर मंडी में खड़ा है, एक हर बार एक नई तारीख दे दी जाती है कि 25 को आपका गेहूं बिकेगा, इसके बाद वो तारीख अगली चार हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। और ये जो बारिश हुई मानसून की बारिश हुई पूजा, इसके बाद किसानों को ये गेहूं भीगा, हर किसान के सपने होते हैं, उनके भी सपने रहे होंगे कि बिल्कुल, और प्रबंधन मजबूत होना चाहिए ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। आपने तमाम तरह की लापरवाही की तस्वीरें देखी होंगी, अभी कुछ देर पहले भी दिखाई, लेकिन अमरोहा से सामने आए पंचायत उपचुनाव के दौरान लापरवाही की तस्वीर यकीन मानिए आपको भौचक्का कर देगी, नहीं यकीन तो ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव का दौर और उसके बाद मचा हाहाकार शायद ही कोई भूल सकता है। इन चुनावों के बाद ही शहर की आग गांवों के आंगन की दहलीज को लांघते हुए चार दीवारी में दाखिल हो गई और इसके बाद पसरा मौत का सन्नाटा, गांव के गांव उजड़ गए। इसी मौत के साए में आए कई जनप्रतिनिधि भी, जिनके जाने के बाद 12 जून को सभी रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए गए। इन चुनावों में तमाम नियमों के पालन के निर्देश दिए गए, दावे भी किए गए, लेकिन दावे और निर्देश ये सब तो कागज की बात है, मानता कौन है साहब? नहीं यकीन तो अमरोहा चलिए, जहां अधिकारी न जाने किस मदहोशी में मदहोश थे और ऐसा कारनामा कर दिया जो शायद ही करने के बारे में कोई सोच सके। जी हां, अमरोहा में अधिकारियों ने कई मृतक शिक्षक, कई सेवानिवृत्त शिक्षक और कई बीमार शिक्षकों की ड्यूटी भी पंचायत उपचुनाव में मतदान कराने में लगा दी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, मृत शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के बाद भी इन साहबों को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि ये पोल खुली पोलिंग पार्टी के रवानगी के समय, जहां आनंद फानन में फजीहत होने के बाद ड्यूटी पत्र वापस कराकर अन्य शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। अगर अब भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो डीएम बीके त्रिपाठी को सुनिए, जो खुद इस लापरवाही की बात को कबूल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो ड्यूटी में हमारे कर्मचारी सूची बनती है उसमें उनका नाम रहा है और कोरोना में जानते हैं अभी तत्काल में कई घटनाएं हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनके नाम अभी उसमें से कट नहीं पाए थे, ऐसी ड्यूटी हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और उनके स्थान पे दूसरे लोग लगा भेजा गया है और भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे लोग, अधिकारियों को मैंने बता भी दिया है। जिला अधिकारी साहब ने पूरे मामले में लापरवाही की पुष्टि करते हुए पूरे मामले में इसे गलती बताकर कहा कि इस गलती को सुधार लिया गया है और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को ड्यूटी पर भेज दिया गया। वाह साहब, क्या कहने आपके। मुख्यमंत्री के निर्देश और पिछली दफा मौतों के खौफनाक मंजर के बाद ये लापरवाही इतनी तो आम नहीं जितनी सहजता से आपने जवाब दे दिया, क्योंकि महकमे का ये रवैया जहां एक तरफ लचर व्यवस्था और लापरवाही को दिखाता है तो दूसरी तरफ दिखा रहा है मानवीय मूल्यों की तरफ असंवेदनशीलता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर जीएसटी काउंसिल ने मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने का मंजूरी दी है, तो वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर दर को कम कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है, उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा।
किस तरह से लिए गए, इसलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आसमान छू लिया है। पिछले कुछ दिनों से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, आम लोग और विपक्ष इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है, लोगों में आक्रोश है। लगातार मीडिया की सुर्खियों में ये बना हुआ है। कोरोना इलाज संबंधित उपकरणों आदि पर जीएसटी कर को कम करके न्यायोचित बनाने की तरह ही सरकार महंगाई कम करने पर भी विशेष ध्यान दे, यही बीएसपी की मांग है। क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से धारा 370 को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। रविवार को शहर के कई बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया, तो वहीं कई जगहों पर सड़कों पर घूमते लोग भी नजर आए। सड़कों पर घूमते लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई और अमेठी, 6 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वीकेंड लॉकडाउन के आखिरी दिन की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे लोगों में खौफ नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर कोविड नियमों की पालना नहीं भी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, तो देहात क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी में लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। एक तरफ बारिश को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं लोगों के जहन में बाढ़ आने का डर भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई। बैठक कर्मचारी महासंघ के विस्तार को लेकर की गई है, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने की है। बैठक में सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। बदायूं के अजरऊ गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी चले। मारपीट की इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नव निर्वाचित प्रधान और पूर्व प्रधान के पक्ष को लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई के शाहबाद थाना इलाके के एक मैदान में क्रिकेट खेलने गए युवकों में से एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों में अचानक विवाद पेश आया, जिस दौरान एक युवक ने तमंचा निकाल लिया और हवा में लहराने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला हरदोई के थाना शाहबाद के खेड़ा बलाई कोर्ट का बताया जा रहा है। मुरादाबाद के मरझोला इलाके में एक नवविवाहिता महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आज सुबह हनुमान मंदिर की ग्रिल से महिला का शव लटका मिला। महिला के गले में लाल रंग का दुपट्टा बंधा हुआ था और उसके घुटने जमीन से टिके हुए थे। मृतका को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या करके उसे आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई है। मृतका का नाम रिंकी बताया जा रहा है, जिसकी शादी 1 महीने पहले दीपक नाम के व्यक्ति से हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे की जो सैंपल रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से 524 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1757 लोग इसके
कहर से उभरे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। प्रदेश में कुल 75 में से 70 जिलों में कोरोना के 300 एक्टिव केसेस हैं, जबकि सिर्फ 5 जिलों में ही 300 से ज्यादा संक्रमित अभी भी हैं। पिछले 24 घंटे में केवल 524 नए मरीज मिले हैं। देशभर में कोविड टीकाकरण को लेकर जहां सरकार लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है, तो वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर अलग ही खौफ लोगों में नजर आता है। आपको बता दें कि एक नजारा उन्नाव के सफीपुर तहसील के कुछ गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया। प्रशासन की ओर से लाख समझाने के बावजूद वैक्सीनेशन कराने को कोई राजी नहीं, टीम बैरंग लौटी है। तो वहीं जब इस पूरे मामले में प्रधान जयचंद्र से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जब हमें कोई परेशानी ही नहीं है तो हम वैक्सीन करवाएं क्यों। हाँ, वो डरते हैं, डरते हैं कि ये लोकल वैक्सीन आई है, ओरिजिनल बिक गई है। अच्छा। इसलिए हमसे भी कहते नहीं लगवाना, लेकिन हम लगवाएंगे। आपने लगवाया? एक लगवा लिया, एक बाकी है, वो जब लगेगा हम लगवा लेंगे। सरकार जो कर रही देश हित के लिए अच्छा ही कर रही, गलत नहीं कर रही है, ये मतलब। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के द्वारा भ्रम को फैलाया गया था, उसका असर कहीं आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और जितने भी क्षेत्रवासी, उनको जागरूकता के अभियान के माध्यम से हम सभी लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता।